मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट का सफर लगता है थमने वाला है। उनका प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। मुंबई की सीनियर टीम में चुने जाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अर्जुन अपनी छाप छोड़ेंगे, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का मुंबई की टीम के लिए डेब्यू बेहद ही खराब रहा। अर्जुन का प्रदर्शन इतना खराब था कि उनको मुंबई की टीम ने 2 मैच खिलाकर ही उनकी छुट्टी कर दी और आंध्र प्रदेश के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में जगह तक नहीं दी। अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में 2 मैच खेले। उन्होंने हरियाणा के खिलाफ डेब्यू किया। इस मुकाबले में उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी की और 34 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, जबकि दूसरा मुकाबला उन्होंने पुडुचेरी के खिलाफ खेला, जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट चटकाया। पुडुचेरी के खिलाफ उन्होंने बैटिंग भी की और 7 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने। अर्जुन तेंदुलकर के इस खराब खेल ने उनके अगले महीने होने वाली IPL में शिरकत करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस टूर्नामेंट में अर्जुन अपने प्रदर्शन से फायदा उठा सकते थे, लेकिन अब लगता है कि अर्जुन को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा।